यूपी के बरेली जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अस्फाक सकलैनी के नेतृत्व में सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में सत्याग्रह शुरू कर दिया गया है। जिला अध्यक्ष अस्फाक सकलैनी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और जिलाध्यक्ष ने बताया, देश में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज़ को दबाने हेतु प्रवर्तन निदेशालय CBI जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है। देश में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रहित एवं जनहित में विपक्ष की मुख्य भूमिका निभा रही है, जिसमें विशेषकर गांधी परिवार, जिसका इतिहास देश की आज़ादी से लेकर देश के हित में बलिदान, त्याग, तपस्या, संघर्ष का रहा है, इसलिए उनकी छवि देश विदेश में ईमानदार वफादार नेताओं में शुमार की जाती है। भाजपा व RSS को सोनिया गांधी, राहुल गांधी की आमजन में बढ़ती लोकप्रियता तथा आमजन के भूतमूल मुद्दों पर खुलकर बोलने से भाजपा की केंद्र सरकार में बैठे शीर्ष नेताओं को जनहित में उठाई जा रही विपक्ष की आवाज़ पसंद नहीं आ रही है, जिससे परेशान होकर केंद्र सरकार ने बेवजह अनेकों प्रकार से बार बार ED, CBI जैसी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर उनकी छवि को खराब कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब से इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या, हमारे विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। संसद में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छा नहीं लगता। जनहित के मुद्दे अच्छे नहीं लगते। जब महंगाई पर राहुल गांधी जी संसद के अंदर खड़े होकर हमारे तमाम सांसद जब बात करते हैं, इनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके से इस देश के मुद्दों को जलन तरीके से इसको आईना दिखाने का, भारत की सरकार कुछ आईना दिखाने का काम करते हैं, तो इसको रास नहीं आता। हमारे नेता राहुल गांधी जी को आपने देखा ED के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी नेता कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को लगातार 3 दिनों से ED बुला रहा है और उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है इस देश के अंदर कि हमारी संपत्ति, हम उस संपत्ति के मालिक और हम ही पर उसका भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि ये कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने देश आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, आंदोलन करें, और उन्हीं का, इंदिरा गांधी का पोता है राहुल गांधी जी, इन तमाम चीज़ों से डरने वाला नहीं है। इस देश के किसान की आवाज़ उठा कर रहेंगे, इस देश के नौजवान की आवाज़ उठा कर रहेंगे, चाहे ED और CBI चाहे कितना भी जोर लगा लो, और तमाम हमारे नेताओं को चाहे जेल भेज दो, तमाम नेता जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जिस तरीके से ED के नाम पर प्रताड़ित करने का ये झूठा खेल खेलने का प्रयास कर रहा है, कांग्रेस पार्टी इसे कैसे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम तमाम लोग यहाँ सत्याग्रह पे हैं, लगातार हमारा सत्याग्रह जारी है, और ये सत्याग्रह जब तक चलता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लोकतंत्र की हत्या करना बंद नहीं करते। हम कहना चाहते हैं, आप मुद्दों की बात करिए, महंगाई पर आकर बात करिए, जो महंगाई गैस सिलेंडर जो हमारे ज़माने में 350 का बिकता था, आज वो 1000 का पार हो गया है। डीजल का रेट आप देखिए आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल का रेट आसमान छू रहा है, किसानों का, हमारे तमाम FSP के जो रेट की बात करते थे, हमारे किसानों की फसल नहीं बिक पा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना चाहिए, देश के नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, इस पर बात नहीं करते। और ED और CBI को लेकर आपने जिस तरीके से देखा प्रताड़ित करने का प्रयास और विपक्षी दलों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कोने कोने पे खड़ी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस आवाज को दबने नहीं देगा और हमारे कांग्रेस के नेता ये सत्याग्रह करते रहे। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर शराबी का तमाचा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वायरल वीडियो में पुलिस को गाली बकता और धमकाता दिख रहा शराबी युवक। सड़क पर कई घंटों तक चला शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा। SSP के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान हुआ था विवाद। शराबी ने होमगार्ड से की थी अभद्रता। FIR दर्ज कर आरोपी को भी किया गया गिरफ्तार। औरंगाबाद थाना क्षेत्र का कस्बा औरंगाबाद का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। कल जंगीराबाद चौराहे पर एक होमगार्ड था जो कि वहां ट्रैफिक का काम देख रहा था। उसी बीच एक सुरेंद्र नामक व्यक्ति था जो आया और ऐसा लगा कि किसी गाड़ी से टकरा जाएगा, शायद नशे की हालत में था। उसको उसने रोकने का प्रयास किया, उस पर उसने उसको चाटा मार दिया। दो सिपाही आए, उनके साथ भी उसने अभद्रता की।
इस पर थाना पुलिस आकर के उसको गिरफ्तार किया और अभियोग पंजीकृत करके इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. राजपूत। राजस्थान के दौसा रामगढ़ पचवारा थाना में श्यामपुरा कला गांव में बीते कल सोशल मीडिया पर भगवान हनुमान के फोटो पर गलत कमेंट करने पर दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज किया। वहीं घटना के विरोध में श्यामपुरा कस्बे के सभी व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 27 जुलाई को शाम कुलवीर सिंह की फेसबुक स्टोरी पर बालाजी महाराज की तस्वीर लगाई थी, जिस तस्वीर पर गांव के ही एक नाबालिग लड़के ने कमेंट में शराब, खंजर, बम आदि की इमोजी भेज दी। इसको लेकर कुलवीर सिंह ने नाबालिग लड़के को फोन करके टोका तो दोनों में बात करते करते आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि नाबालिग लड़का खंजर लेकर कुलवीर सिंह के घर पहुंच गया और जैसे ही उसके ऊपर जानलेवा हमला करने लगा तो आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना का जानकारी लेते हुए दोनों पक्षों की ओर से दिए गए मामले दर्ज किए। वहीं आज गुरुवार को घटना के विरोध में श्यामपुरा कस्बा बंद रहा। इस दौरान व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर श्यामपुरा बस स्टैंड पर धरने पर बैठ गए। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष बद्रीलाल मीणा ने कहा कि नाबालिग लड़के की गलती के बावजूद कुलवीर सिंह के खिलाफ रामगढ़ पचवारा थाने में SC/ST एक्ट के तहत झूठा मामला दर्ज करवाया है, जबकि सच्चाई ये है कि उससे यहाँ के सभी लोग परेशान हैं। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। राजस्थान के कोटा में IFWJ इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट हाड़ौती पत्रकार अधिवेशन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हाड़ौती संभाग में पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों के सम्मान के साथ साथ पहली IFWJ संगठन द्वारा उनके वृद्ध माता पिता और 5वीं, 8वीं, 10वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को भी IFWJ के मंच से सम्मानित किया गया। इस दौरान बारा जिले की ओर से पहुंचकर पत्रकार कुलदीप सिंह शिहोरिया, छिपाप डोद मोहन नागर, तारथल वीरेंद्र कुमार शर्मा, पत्रकार अटरू से जिले के नेतृत्व में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामनारायण मीणा, विधायक पीपलदा कांग्रेस की राखी गौतम और IFWJ संगठन के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर का दुपट्टा एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान कुलदीप सिंह सिहौरिया, छिपाप डौद और वीरेंद्र कुमार शर्मा अटरू के बालक बालिकाओं को 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पर मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। परम पिता परमेश्वर और भोलेनाथ से आज इस तरह की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे पत्रकार परिवारों के जो बालक बालिका हैं उनको बहुत कामयाबी दे, वो सफलताओं के मंजिल को छूने का जो अद्भुत प्रयास उनके दिल और हृदय में दोनों के साथ उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000।
वह राजस्थान के धौलपुर से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के आयाम स्टूडेंट और डेवलपमेंट द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस मौके पर नगर मंत्री राघवेंद्र परमार ने बताया कि विद्यार्थी परिषद इस बार मानसून माह में स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट आयाम के अंतर्गत 1 करोड़ वृक्ष रोपित करके वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके अंतर्गत SFD ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और विद्यालय के छात्रों को वृक्ष सुरक्षा की शपथ दिलाई और साथ मिलकर 100 वृक्ष रोपित किए गए। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भरतपुर विभाग के प्रौढ़ कार्य प्रमुख पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा, प्रकृति रचना में वृक्ष की महती भूमिका है। मानव का जीवन सहचर है, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। इस मौके पर जयपुर प्रांत के सह संगठन मंत्री उपमन्यु सिंह राणा ने कहा, छात्र कल का नहीं अपितु आज का नागरिक है, इस नाते हमें अपने पर्यावरण के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वहीं भारतीय परंपरा में वृक्ष को देवता के रूप में पूजा जाता है। और ज्यादा से ज्यादा अपने घर के आसपास महाविद्यालय के पास माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के थाना अलापुर के ककराला चौकी इंचार्ज ने 2 मई को एक युवक को जबरन गौकसी का आरोप बनाने में बिना किसी जुर्म के उठाया और 3rd degree की सजा ककराला पुलिस चौकी में दी गई। पुलिस की पिटाई से पीड़ित युवक अपना सुध बुध खो बैठा है। आज उसके परिजन IG रमित शर्मा से मिले और पुलिस की शिकायत करते हुए कहा कि ककराला पुलिस चौकी इंचार्ज ने बिना किसी कारण उसके बेटे रेहान पुत्र यूनुस शाह को उठा लिया और चौकी में करंट लगाकर पीटा गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ती देख पुलिस वाले स्वयं घबरा गए और उन्होंने 100 रुपये देते हुए रेहान को इलाज के लिए भेज दिया। मालूम हो कि CO दातागंज को इस प्रकार की जाँच सौंपी गई थी, जिसमें ककराला पुलिस चौकी के सिपाही दोषी पाए गए थे, जिसमें 5 पुलिसकर्मी नामजद थे और 6 अज्ञात थे। 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। हमारा लड़का गया 1 तारीख को आया, 2 तारीख को पैसे लेने गया, अलही निगला रोड पर पकड़ लिया। जब पुलिस वालों ने 5 पुलिस वालों ने जब हमारे लड़के को ले गए, जिसने ये कहा रेहान ने कि क्यों लिए जा रहे हैं, मुझे तो ये कहा कि हम फोटो खींचने लिए जा रहे हैं तुझे। तब जब आ गया और आ गया, हमारा नाते खेलता था, उसने ये कहा दादी देखो गाड़ी पे चाचा ली जा रहे हैं बैठा के पुलिस वाले पकड़ के। जब हम गए, हमारे लड़के ने कई फ़ोटो यहीं खींच लो रेहान ने, तो ये कहा उनने कि देखो फोटो तेरे नहीं खींचेंगे, चल तुझे चौकी में ले जा रहे हैं। जब हमारे लड़के को चौकी पे ले गए रेहान को, तो रेहान से ये बोले कि तू ये कहा गाय कसी का काम करता हूँ, इसने ये कहा कि मैं नहीं करता हूँ, मैं पुताही का ही काम करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये कि तू ये देखो खान और कबूतर पालता हूँ। उनने सारे मोबाइल में इसकी सब रिकॉर्डिंग ली और जहाँ काम करता उससे भी बात की, तो कई 5,000 रुपये दो जब छोड़ूंगा। हमारे लड़के को बहुत मारा पीटा और बाहर डाल दिया, करंट भी लगाए, डंडा भी करा बैग में, और देखो छोड़ा नहीं। जब 5,000 रुपये ले लिए, जब छोड़ा और बाहर मार के डाल दिया, कतहीं झाग डाल ले करा, तब कहा कि देखो ले तू 100 रुपये ले, इसकी दवा ले आना, और दवा नवाज पड़े के नहीं गया रेहान तो तुझको फिर पकड़े लेंगे, क्या खाता है। तो इसने ये कहा कि खाने वाली चीज़ तो खाते हैं, तो तुझे खिलाऊँगा सुअर का गोश्त, और एक बदतमीजी बोले थे। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। ये खबर स्कूल में वितरण किए जाने वाले मिड डे मील से जुड़ी हुई है, जहां एक प्रधानाचार्य को निलंबित किया गया है। पूरा मामला जनपद कासगंज के विकास खंड सहावर के ग्राम जमालपुर में प्राथमिक विद्यालय में
कम मिड डे मील वितरण किए जाने का मामला सामने आया है, जहां बच्चों को दूध वितरण की कमी की बात उजागर हुई थी। वहीं जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने प्राथमिक विद्यालय जमालपुर विकास खंड शहाबर में MDM के तहत बच्चों को दिए जाने वाले दूध और बच्चों को मिड डे मील में मोनू के अनुसार भोजन नहीं दिए जाने की शिकायत पर प्राथमिक विद्यालय की जाँच कराई गई और जिलाधिकारी ने खाद्य वितरण अधिकारी विजय कुमार को जांच करने के निर्देश दिए थे। वहीं मामले में जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने रसोईया कर्मचारियों एवं प्रधानाचार्य गंगा सिंह के बयान दर्ज किए। इस दौरान प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंधक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। वहीं ग्रामीण और अभिभावकों ने जाँच अधिकारी को बताया कि स्कूल में मिड डे मील के अनुसार छात्र छात्राओं को खाना नहीं दिया जाता है। वहीं ये बात जाँच में भी साफ हो पाई। इस मामले में अनियमितता मिलने पर प्रधानाचार्य को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपका कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? आपको स्कूल में कभी फल मिले हैं? कभी नहीं मिले फल? खाना बनाता है। अच्छा, क्या कैसा क्या सामान आता है यहाँ पे बच्चों के लिए? दूध आता 6.5 किलो, बाल्टी 1.5 लीटर, 1.5 बाल्टी पानी लगता है। अच्छा, तब बच्चों को देते हैं? तब बच्चे 500 के करीब है स्कूल में। हाँ, बच्चे 500 है। तो कितना कितना आता है उनके हिस्से में? थोड़ा थोड़ा आता होगा। अम्मा, क्या होता है इसमें, इस चिमचे से चाय बढ़ती है बच्चों को दूध की जगह? आधा चमचा दिया जाता है बच्चों को। मैं शहाबर विकासखंड के जमालपुर प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के निलंबन का मामला है। क्या मामला है ये? प्राथमिक विद्यालय जमालपुर में जो MDM के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, मौखिक रूप से शिकायत प्राप्त होने के क्रम में इसकी औचक रूप से जांच कराई गई और औचक जांच में पाया गया कि जो शिकायत थी उसकी पुष्टि हो रही है और मौके पे जो प्रधानाध्यापक के द्वारा MDM की जितनी मात्रा में खाना दिया जाना था और जितनी क्वांटिटी आदि का कार्य किया जाना था, रिकॉर्डिंग की जानी थी, उसके क्रम में उनके द्वारा उतना वितरण नहीं किया गया पाया गया था, जिसके कारण उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी CC रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918781000।